नमस्कार, आज हम बात करेंगे इस महीने की सबसे हॉट कमोडिटी सोना और चांदी की। जहां तक सोने और चांदी की बात करें तो यहां पे सोना इंटरनेशनल मार्केट में मार्च महीने में रिकॉर्ड हाईस पर पहुंचता हुआ नज़र आया और $2200 के पार हमने कीमतों को निकलते हुए देखा। चांदी की कीमतें भी $25 प्रति ट्राई अंस के बेहद करीब इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचती हुई नज़र आई। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो सोने ने मार्च महीने में रिकॉर्ड 13% से अधिक का रिटर्न दिया, वहीं चांदी ने भी लगभग 8% से अधिक का रिटर्न इंटरनेशनल मार्केट में मार्च महीने में दिया है। मार्च महीने में यूएस फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी, वहां पे यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। साथ ही यूएस फेड ने वर्ष 2024 के आखिर तक 3 रेट कटौती के संकेत दिए थे, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली थी। हमारा मानना है कि अप्रैल महीने में भी सोने और चांदी की चमक जारी रह सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे लगातार है और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी यहाँ पे सोने में लगातार बनी हुई है, तो हमारा मानना है कि सोने और चांदी के लिए अप्रैल का महीना भी बेहतर रिटर्न्स देने वाला हो सकता है। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $2150 प्रति ट्राई अंस यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में अप्रैल महीने में अहम सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं हमारा मानना है कि कीमतें ऊपर में $2260 तक के जो स्तर है वो छूती हुई नज़र आएगी। भारतीय बाजारों में अब जो जून के महीने का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी 67,000 के भी पार निकलता हुआ नज़र आया है। तो भारतीय बाजारों में अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो यहाँ पे 65,800 सोने के लिए काफ़ी अहम सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपर में कीमतें 68,000 तक के स्तर भी अप्रैल महीने में एक बार दिखाती हुई नज़र आ सकती है। तो यहाँ पे सोने में अगर कोई भी गिरावट आती है 66,500 से 66,200 के रेंजेस में, तो जून वायदा में वहाँ पे एक बार फिर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 65,800 के नीचे के स्टॉप लॉस रखकर ऊपर में 68,000 तक के लक्ष्य जो है वहाँ रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी अगर मई वायदा की बात करें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कीमतें 74,000 के स्तर को भारतीय बाजारों में स्ट्रांगली होल्ड करती हुई नज़र आई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में $24 के सपोर्ट्स लेवल चांदी स्ट्रांगली होल्ड कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी में अप्रैल महीने में $24 सपोर्ट्स बने रहेंगे। वहीं ऊपर में हम उम्मीद करते हैं कि $26 तक के स्तर यहां देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में जो मई वायदा है वहां पे 74,000 से 73,500 के रेंजेस में बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। 72,750 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में कीमतें फिर एक बार 76 से 77,000 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो सोना और चांदी दोनों में यहाँ पे अप्रैल महीने में भी बढ़त जो है वो बरकरार रह सकती है और गिरावट में दोनों में बाइंग की रणनीति बना के चला जा सकता है। धन्यवाद।